हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे यूके वीजा और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, जो कि रिसेंट अपडेट्स आई है उनके बारे में। और अगर आप यूके प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि काफी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका ऑफर लेटर आ चुका है तो आगे प्रोसेस कैसे होगी, और अगर नहीं आया है तो ऑफर लेटर कैसे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, आपके डॉक्यूमेंटेशन से। तो फ्रेंड्स, एडमिशंस के लिए जितनी भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी 10th, 12th और ग्रेजुएशन, वो आपके लिए मैंडेटरी है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपके पास स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी सर्टिफिकेट्स है, यानी कि आपने नेशनल लेवल खेला है या इंटरनेशनल लेवल खेला है, तो वो अपने एडमिशंस के साथ आप बिल्कुल भी अटैच ना करें। उसकी वजह से आपका ऑफर लेटर रुक सकता है। ये शॉकिंग न्यूज़ रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो हमारे लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ थी और हम इसके लिए, हमें यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रेज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप प्रोफेशनल कोई सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको एज ए प्रोफेशनल UKVI काउंट कर लेता है, यानी कि इमिग्रेशन के अंदर वो आपको स्टूडेंट की तरह देखने के बजाय एज ए प्रोफेशनल देखते हैं। और फिर प्रोफेशनल का अपना एक वीज़ा कैटेगरी होती है, उसमें वो जॉब कर सकते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से UKVI नहीं चाहती कि कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे आए जो कि प्रोफेशनल प्लेयर हो, यानी कि आपने अगर कोई प्रोफेशनली गेम खेला है तो वो बिल्कुल भी अपनी एडमिशन के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट आप अटैच नहीं करें। इसके बारे में डिटेल में आप मेरे से और पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो 10th, 12th और आपके एकेडमिक्स हो गया। इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जस्टिफाई करनी होती है। ये सेकंड स्टेप होता है एडमिशंस के अंदर। ये दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आपके 12th इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए, जो कि नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी के अंदर 65 या 60 to 65 से ऊपर आपके 12th क्लास में इंग्लिश में नंबर होने चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होते हैं आपके इंग्लिश रिक्वायरमेंट के अंदर। और दूसरा तरीका है कि आप IELTS, PTE, TOEFL, लैंग्वेज सेट, इस तरीके का कोई भी इंग्लिश टेस्ट आप दे दो, या कई यूनिवर्सिटीज़ UK के अंदर लोकल टेस्ट भी लेती है, जो कि खुद का उनका टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट, वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद में आपका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद में दो कंडीशंस जनरली आती हैं कि ऑफर लेटर जैसे ही आपको मिला है, उसके बाद में एक तो आपका इंटरव्यू रहेगा। कई बार यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू पहले ले लेती है, मोस्टली ऑफर लेटर के बाद ही आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरव्यू से पहले आपको कुछ इनिशियल अमाउंट जो है अपनी फीस में से वो सबमिट करना होता है। जैसे मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के अंदर आपकी जो टोटल फीस है उसमें से 1500 pounds अगर आप सबमिट करेंगे ऑफर लेटर के बाद, तो ही आपका इंटरव्यू के लिए प्रोसेस होगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो इंटरव्यू एंड इनिशियल डिपॉजिट, ये दो चीज़ यूनिवर्सिटी मांग सकती है आपसे, और उसके बाद में आपको 50% से ऊपर आपकी फ़ीस डिपॉजिट करनी रहती है अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। तो जैसे आप फीस पे करते हैं 50% आपकी, उसके बाद में जो अगली प्रोसेस आती है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है पूरी प्रोसेस आपके लिए समझना, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इसमें टाइम फ्रेम भी कितना लगता है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, आपका ऑफर लेटर 15 to 40 days ले सकता है। उसके बाद में जो इंटरव्यू का टाइम है वो 10 to 15 days अगेन लग सकते हैं आपको। और उसके बाद आप कैश लेटर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए आपको आपके पूरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करने होते हैं, पोर्टल पर आपके अपलोड करने होते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है? पहली चीज़ कि आपके जो फंड्स हैं, अगर आप लंदन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं तो करीबन 13.5 lakh rupees आपके 28 दिन पुराने होने चाहिए सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही आपको शो करने होते हैं, और मिनिमम 28 days ओल्ड होने चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है एजुकेशन लोन। अगर लोन आपके पास है तो आपको 28 days ओल्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो एजुकेशन लोन के थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा है आपके पास कि आप किसी तरीके की लिक्विड गारंटी आप शो कर सकते हैं, जो कि रिमूवेबल हो, या फिर कभी भी आप उसको विड्रॉ कर सकें। जैसे आपकी FD हो गई, या फिर आपका कोई ऐसा फंड हो गया जो कि आप कभी भी उसको लिक्विडेट कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक्स और आपकी प्रॉपर्टी और इन सब की वैल्यूएशन आप नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि उसको जब आप चाहो तब विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो फंड्स वही अलाउड होते हैं कि जब भी आप चाहो उसके अगले दिन वो आपके पास एक्सेसिबल रहें। यहाँ पे आप जॉइंट अकाउंट भी दिखा सकते हैं। कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर जॉइंट अकाउंट में हम पेपर वर्क शो कर सकते हैं। आपका और आपके फादर का अगर जॉइंट अकाउंट है तो आप उसमें भी फंड दिखा सकते हो। आपका आपकी मदर का है तो भी दिखा सकते हो। तो जॉइंट अकाउंट आपका एक्सेप्टेड है, उसमें आप फंड शो कर सकते हो। जैसे आप सारे ये डॉक्यूमेंट्स फंड शो वाले कंप्लीट कर लेते हो और आपका कैश लेटर आ जाता है, उसके बाद आप वीज़ा फाइल कर देते हो। वीज़ा के अंदर स्पेशली अभी ध्यान रखिए आप कि कम से कम 5 weeks के अंदर हमारे वीज़ाज अभी आ रहे हैं। UK 5 weeks से पहले आपको वीज़ाज अभी नहीं दे रहा, तो
5 to 7 weeks आप मान के चलो, तो जितना जल्दी आप ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करते जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 90% टाइम्स क्या होता है कि ऑफर लेटर आ गया और उसके बाद बैंक के बारे में सोच रहे हैं कि अब लोन कैसे लेना है, तो वो जो टाइम है आप जो एडवांस तैयारी नहीं करते हो उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की तैयारी स्टार्ट कर दो और इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दो। दोनों अगर आप साइमल्टेनियसली करोगे तो इंटरव्यू का रिजल्ट आती है अगले दिन, आपके पास पेपर रेडी है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए, वो आप पुराने हमारे चैनल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं कैसे यूके प्रोसेस रहती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे भी मैंने वीडियोस बनाए, क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं चलता, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स सेप्टेम्बर इनटेक और जनवरी 2023 इनटेक अभी से ही ओपन हो चुका है और आपकी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट करिए और अपनी वर्चुअल काउंसलिंग भी आप वहाँ पर बुक करवा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं, किसी भी ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। ऑफिसेज के सारे एड्रेस जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियोस आपको मिलते रहे, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा और साथ में आगे किस चीज के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।